जी, मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने पूछना था कि मेदे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और जिसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द रहता है और सर के बाल भी बहुत ज़्यादा उतरना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मेदे में दर्द कैसा होता है? खाना खाने के बाद दर्द होता है या भूख का दर्द होता है या हर वक्त? भूख का भी दर्द होता है, तकरीबन मुझे 3-4 हफ्ते से हो रहा है। अच्छा, अगर भूख का भी दर्द हो रहा है, जैसे भूख लगती है दर्द होता है, तो बेटा एच पायलोरी का टेस्ट है, वो आप ब्लड और स्टूल दोनों में करा लें। ऑल दो के अब इस से भी आगे टेस्ट आ गए, लेकिन एक क्लू आपको मिल जाता है। और आप थोड़ा सा जानवर यानी कि प्लांट सोर्स पर आ जाएं, एनिमल सोर्सेस को छोड़ दें, और जो है घर पे इसबगोल की भूसी भी बहुत अच्छी होती है कि आप 1/4 टीस्पून इसबगोल की भूसी पानी में डाल के पहले पी लीजिए। और आपके लिए ये है कि आपने टमाटर बीच वाला और इस्तेमाल नहीं करना है, और फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेटली आपको जो आटा सूट करेगा वो मैदे का आटा है। हाँ, हमेशा हम मना करते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए, मगर सफ़ेद डबल रोटी जब आप दूध में डाल के पियेंगी खाएंगी उससे आपको फ़र्क महसूस होगा, एक लेयर सी आ जाएगी। ठीक है। और पके हुए केले, बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं, मगर पके हुए केले आपने 2 अदद सुबह उठते ही खा लेना। ठीक, क्योंकि हमें मैदे में लेयर चाहिए। लेयर चाहिए, प्रोटेक्टिव लेयर।